और ये मॉडल है दुनिया की सबसे छोटी चीज़ का, जिसका नाम है एटम। और एटम जो है, जिस सबसे छोटी चीज़ का बना होता है, वो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबसे पहले हमने एक वायर का यूज़ किया, सिंपल घर में पड़ी रफ वायर का, और इसको टेप से हमने जोड़ा है। और ये जो वायर यहाँ पर ऑर्बिट का काम कर रही है, शेल का काम कर रही है, या एनर्जी लेवल का काम कर रही है। तो यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर 3 के एटम्स को बनाया है। और सिंपली आप इसको बोर एटॉमिक मॉडल्स भी बोल सकते हो। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शेल में हमने 3 इलेक्ट्रॉन लगाए। ये कौन सा हमारे पास एटम्स आ गया? लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीसरे नंबर का जो एटॉमिक नंबर है उसका एटम हमने बनाया। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, और बीच वाला एरिया न्यूक्लियस का है, और जब इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 3 ही होंगे, ठीक है। और इसके जो न्यूट्रॉन है वो है 4। कितने? 4। अगर हम प्रोटॉन 3 और न्यूट्रॉन 4 को प्लस करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 7। और इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 7। और एटॉमिक नंबर कितना हो गया? जितना इसके इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कौन सा चार्ज होता है? इस पर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन भी कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने इसमें प्रोटॉन होते हैं उतने इसमें जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें प्रोटॉन होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।